दोस्तों FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं। भारतीय खाद्य निगम में कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जो कि हैं एनी पोस्ट ग्रेजुएटेड के लिए, यानी कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट की हुई हैं तो ये वैकेंसीज आपके लिए बिल्कुल है। तो फ्रेंड्स वैकेंसीज क्या है कि काफ़ी कम है बट क्या सैलरी काफ़ी अच्छी है, तो इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं और पूरी डिटेल देखने वाले हैं। तो हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वीडियो में एक ट्विस्ट और भी है इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं FCI में पोस्ट की वैकेंसीज़ की बात करूं तो क्या है कि FCI ने काफ़ी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हुई हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि 5 पोस्ट पर वैकेंसीज FCI ने निकाली हुई हैं फ्रेंड्स। बट क्या है कि हम बात करेंगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर की, क्यों, जिसका कारण है कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर की जो पोस्ट है इसके लिए कोई भी एनी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। तो हम इसलिए आज असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट की डिटेल की बात करने वाले हैं। बाकी रफली फटाफट से अदर पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं ताकि अगर वो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं वो भी थोड़ा बहुत जान सकें। अगर मैं बात करूं असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल की फ्रेंड्स, तो इसमें आपको बीटेक की डिग्री आपके पास जरूर होनी चाहिए। और अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट की, तो आपके पास इसमें CA की डिग्री इसमें आपको चाहिए ही चाहिए और एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत चाहिए 1-2 साल का। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ जनरल असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ की, तो आपके पास इसमें लॉ की डिग्री होनी चाहिए और प्लस इसमें एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। और फ्रेंड्स अगर मैं नेक्स्ट डिटेल की बात करूँ वो है कि मेडिकल ऑफिसर की, तो आपके पास इसमें MBBS की डिग्री वगैरह होनी चाहिए और इसमें भी आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इन पोस्ट की आज हम बात नहीं करेंगे, हम ओनली बात करेंगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर की जो कि FCI में निकली हुई हैं, जो कि एनी पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट के लिए हैं, जो कि एनी पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अगर टोटल वैकेंसीज की मैं बात करूँ वो है मेरी 30 यानी कि 30 वैकेंसीज FCI में असिस्टेंट जनरल मैनेजर पोस्ट पर निकाली गई हैं। और अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ कैटेगरी के हिसाब से, तो अगर हम देखते हैं कि SC की जो वैकेंसीज हैं वो हैं 3, SC की वैकेंसी जो 3 हैं, और अगर ST कैटेगरी की बात की जाए तो वो भी 3 वैकेंसीज आपको दिख रही हैं। और अगर फ्रेंड्स मैं OBC कैटेगरी की बात करूं तो आपको दिखेगा कि उसमें 9 वैकेंसीज निकली हुई हैं। और फ्रेंड्स अगर EWS कैटेगरी की बात की जाए तो आपको दिख रहा है कि 3 वैकेंसीज उसमें निकली हुई हैं। और फ्रेंड्स अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो उसमें आपको दिख रहा है कि 12 वैकेंसीज निकली हुई हैं और 1 वैकेंसी B लेवल में निकली हुई है। फ्रेंड्स यानी कि टोटल वैकेंसीज हमारी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की FCI में एनी पोस्ट ग्रेजुएटेड के लिए 30 है। फ्रेंड्स है ना, वैकेंसीज काफ़ी कम है बट निराश नहीं होना है, एक ट्विस्ट और भी है वीडियो में इसलिए मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। फ्रेंड्स वैकेंसीज काफ़ी कम है बट सैलरी काफ़ी ज़्यादा है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि एज की, फ्रेंड्स अगर मैं एज की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि एज जो है मेरी 30 साल होनी चाहिए, यानी कि किसी भी स्टूडेंट की 30 साल एज अगर है तो वो इसमें आराम से अप्लाई कर सकता है, और 30 साल से नीचे है तो वो भी आराम से अप्लाई कर सकता है। बट अगर कोई भी जनरल स्टूडेंट है अगर वो 30 साल से ऊपर है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फ्रेंड्स है ना, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन निराश नहीं होना है। 30 साल अगर आपकी करंट में भी 30 साल है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपने पोस्ट ग्रेजुएट की हुई हो, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट डिटेल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट डिटेल है फ्रेंड्स हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए जिसका पोस्ट कोड है A, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, है ना फ्रेंड्स। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री नहीं है फ्रेंड्स, तो आपके पास ACA या AICWA या ACS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फ्रेंड्स। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, वो भी इंटीग्रेटेड कोर्स वाली 5 साल वाली फ्रेंड्स, है ना, और उसमें भी आपके 55% मार्क्स होने चाहिए फ्रेंड्स, है ना। तो ये सब आपके पास होना चाहिए इसलिए आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई हो। और फ्रेंड्स अगर बात करें कि SC ST और PW कैंडिडेट के लिए एक
वो दी गई है, छूट दी गई है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स अगर हैं आपके तो आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना, ये सब आपको याद रखना है। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स जरूरी हैं और एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए अगर 50% मार्क्स भी हैं तब भी वो इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है फ्रेंड्स, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट डिटेल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट डिटेल की अगर हम बात करें फ्रेंड्स वो है एज रिलैक्सेशन। देखिए फ्रेंड्स हमारी वैसे तो जो एज है वो है 30 साल, अगर 30 साल तक अगर आप हैं तो आप आराम से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप पोस्ट ग्रेजुएटेड हो तब, और आपके 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और अगर एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से हो तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। फ्रेंड्स अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, देखिए फ्रेंड्स कैंडिडेट जो बिलोंगिंग है एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि अगर एससी एसटी कैटेगरी है तो वो 35 ईयर तक भी अगर कोई स्टूडेंट है तब भी वो इसके लिए एलिजिबल है, और अगर कोई ओबीसी से है और अगर वो 33 साल यानी कि 33 ईयर तक का भी है तब भी वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, यानी कि फॉर्म भर सकता है फ्रेंड्स, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट डिटेल की हम बात करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट डिटेल है हमारी सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आइए देखते हैं कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पर अगर बात की जाए, देखिए इसमें लिखा है, अगर मैं साफ साफ आपको दिखाता हूँ, इसमें लिखा है कि कैंडिडेट को अगर वो है, अगर वो एस सी एस टी ओ बी सी से है तो उसको 55% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो उसको 50% मार्क्स चाहिए शॉर्टलिस्टेड होने के लिए पेपर फर्स्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा ये सब लिख देते हैं नोटिफिकेशन में बट ऐसा नहीं होता है। कट ऑफ डिपेंड करती है कि स्टूडेंट पेपर कितना अच्छा अटैम्प्ट कर रहा है। स्टूडेंट के पेपर अटैम्प्ट करने के ऊपर ही कट ऑफ बनती है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके 50% मार्क्स या फिर 45% मार्क्स आ जाएं आप पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट ने कितना अच्छा अटैम्प्ट किया है पेपर, और उसके हिसाब से कट ऑफ बनती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं पूरी डिटेल की कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है फ्रेंड्स। तो हम बात करें कि हमारे एग्ज़ाम पैटर्न की असिस्टेंट जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए जो कि पोस्ट कोड है ए, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि सेक्शन ए की, तो सेक्शन फर्स्ट में हमारा आएगा रीजनिंग और डाटा एनालिसिस और न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो आप देख सकते हैं कि रीजनिंग डाटा एनालिसिस और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग आएगी हमारा, डाटा एनालिसिस आएगा यानी कि हमारे डाटा वाले इंटरप्रिट वो टेबल वाले क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स में, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मिसलेनियस आपका आने वाला है जिसके आपके क्वेश्चन होंगे 45, यानी कि 45 क्वेश्चन इन तीनों सब्जेक्ट के आपके आएंगे, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट सेक्शन की अगर बात करें तो है मेरा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ फ्रेंड्स तो मेरा है उसमें करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 45, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी मायने रखते हैं। आगे नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट डिटेल की बात की जाए तो वह है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट मैनेजमेंट एंड इथिक्स, जिसके आपके 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। और फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट सेक्शन की बात करूँ तो वो क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से और कंप्यूटर अवेयरनेस से, जो कि आपके 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि हमारे टोटल 180 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं इस पेपर वन में। तो फ्रेंड्स और आपका ड्यूरेशन जो होगी वो होगी 2.5 घंटा, यानी कि 2.5 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन फ्रेंड्स अटैम्प्ट करने हैं, जो कि ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट डिटेल की हम बात करते हैं। फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट डिटेल की बात की जाए, अगर हम देखें कि ग्रुप ए में जो कि मेरी असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज हैं उसके लिए टोटल जो क्वेश्चन है वो है 180 और एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। और फ्रेंड्स अगर देखें कि जो ट्विस्ट था वीडियो में वो था कि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है सभी स्टूडेंट के लिए। यानी कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप तुक्का भी लगा सकते हैं, यानी कि आप तुक्का भी लगा सकते हैं एग्ज़ाम में, है ना, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है जो कि एक प्लस पॉइंट है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको ये वैकेंसीज जरूर भरनी चाहिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएटेड हो फ्रेंड्स, है ना, तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको ये वैकेंसीज फॉर्म जरूर भरना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट डिटेल की अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, अगर फ्रेंड्स मैं सिलेबस की बात करूँ, आपने देखा कि रीजनिंग डाटा एनालिसिस और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको पता होगा कि ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होता है कि इनका सिलेबस क्या होता है। बाकी जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का भी आपको पता होगा। एग्रीकल्चर की बात करूँ तो एग्रीकल्चर में क्या आने वाला है, एग्रीकल्चर के सिलेबस की अगर बात की जाए तो आपका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप्स आएगा, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्रॉप प्रोटेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लांट पैथोलॉजी, फूड एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, फूड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, पैथोसिस एंड रिसिप्रेशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। अगर बात की जाए बेसिक कंप्यूटर के सब्जेक्ट की यानी कि सिलेबस की, तो वहाँ से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ब्राउजर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेल मेमोरी एक्सटर्नल इंटरनल मेमोरी पोर्टेबल से पूछे जाएंगे, चार्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऑफिस जो कि है वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और नेटवर्क के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सिलेबस आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट डिटेल की फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो है फीस स्ट्रक्चर की बात। तो अगर देखा जाए कि फॉर्म की फीस कितनी है फ्रेंड्स, अगर बात की जाए एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और वुमेन्स की यानी कि गर्ल्स की, तो फ्रेंड्स इन कैटेगरी के लिए ये जो फॉर्म है वो बिल्कुल फ्री है। तो आपको एससी, अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो या फिर गर्ल्स हो, तो आपके लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। तो अब जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको, उनको स्टूडेंट को, और वो पोस्ट ग्रेजुएटेड है तो उसको ये फॉर्म जरूर भर देना चाहिए, यानी कि आपको ये फॉर्म जरूर भर देना चाहिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट की हुई है और आप एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी या गर्ल्स हो, क्योंकि आपके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। प्लस नेगेटिव मार्किंग भी फॉर्म इसमें एग्जाम में नहीं है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। फ्रेंड्स अगर बात की जाए जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 1000 रुपये फॉर्म सबमिट करने के लिए फीस देनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एक स्टूडेंट के लिए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिटेल की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा कि वैकेंसी काफ़ी कम है, बट क्या है कि सैलरी आपकी काफ़ी ज़्यादा है फ्रेंड्स। अगर सैलरी की बात की जाए तो आपकी 60,000 के लगभग आपकी सैलरी आराम से बन रही है फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है आज की डेट में फ्रेंड्स। तो 60,000 तक आपको सैलरी इसमें मिलेगी गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ मतलब फैसिलिटी की, फैसिलिटी भी आपकी काफ़ी है। आप देख सकते हैं कि ट्रैवलर फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, एचआरए है, अलाउंसेज आपको काफ़ी मिलने वाले हैं, यानी कि अप्रोक्स अगर मैं बात करूँ तो 65,000 के आसपास आपको सैलरी आपकी बन जाएगी, है ना। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, बट वैकेंसी काफ़ी कम है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट डिटेल की बात करते हैं। नेक्स्ट डिटेल है हमारी लास्ट डेट। तो लास्ट डेट कब तक है एग्जाम की? लास्ट डेट है आपकी 30 मार्च, यानी कि 30 मार्च से पहले पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है फ्रेंड्स, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है और अगर आप 30 ईयर से ऊपर नहीं हो, और अगर आप एस सी एस टी हो तो आप 35, और अगर आप ओ बी सी हो तो 33। तो फ्रेंड्स अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो हमारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके क्लिक कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ध्यान रखना है कि फॉर्म वो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि एक प्लस पॉइंट है सभी स्टूडेंट के लिए, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिटेल क्या है कि ऑल द बेस्ट, जो भी स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएटेड है और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है उसके लिए ऑल द बेस्ट और गुड लक। अपनी तैयारी कर लीजिए, अच्छे रखिए, क्योंकि एक प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं है, भले वैकेंसी कम है, और हाँ सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो आपके लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, अपने ध्यान रखिए, खुश रहिए। और अगर आपको नई वैकेंसीज के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको वैकेंसीज की डिटेल ईजिली काफ़ी प्रोवाइड हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।